NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को. NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा बेटा पटना. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट. मैं हूं अभिषेक मिश्रा. बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया है और लिखा है कि साजिश करने वालों से कह दो कि चिंगारी का खेल बुरा होता है. इस ट्वीट के साथ उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक वीडियो भी पोस्ट किया है, पुराना वीडियो. इसी लाइन के सहारे अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी पाकिस्तान पर निशाना साधा था, तो अटल बिहारी वाजपेयी की इन लाइनों के सहारे गिरिराज सिंह ने किस पर निशाना साधने की कोशिश की है, ये बड़ा सवाल है. कहा जा रहा है कि ये तंज है, ये हमला है बिहार के CM नीतीश कुमार पर, क्योंकि गिरिराज सिंह कुछ ट्वीट करते हैं या फिर इस तरह की लाइनों को पोस्ट करते हैं तो उसका मतलब होता है उनके राजनीतिक दुश्मनों पर कह लें या फिर जिसके साथ खट्टे मीठे रिश्ते चल रहे हों उन पर निशाना. नीतीश कुमार पर इससे पहले भी गिरिराज सिंह ने निशाना साधा है, उनको इफ्तार के बहाने दिखावा न करने की सलाह दी है और गिरिराज सिंह के बयानों की वजह से, उनके ट्वीट्स की वजह से न सिर्फ बिहार की राजनीति गरमाती रही है बल्कि JDU और BJP के बीच की दोस्ती भी गरमाती रही है. दोनों के रिश्तों में तलखी भी बढ़ती रही है. हालांकि कहा गया कि शीर्ष नेतृत्व से डांट फटकार के बाद या फिर कुछ न बोलने की नसीहत के बाद गिरिराज सिंह ने चुप्पी साध ली है और गिरिराज सिंह तब भी चुप थे जब बिहार में यह खबर आई कि CM नीतीश कुमार RSS और उसके सहयोगी संगठनों के पदाधिकारियों के बारे में विस्तृत जानकारी विशेष शाखा से चाहते थे और इसको लेकर जब बिहार की राजनीति उबल रही थी तब भी गिरिराज सिंह चुप थे. हालांकि जो BJP के नेता इस मामले को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे थे, तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे, उनको उनके ट्वीट को गिरिराज सिंह रिट्वीट जरूर कर रहे थे लेकिन उन्होंने खुद कुछ नहीं कहा था. अब जब गिरिराज सिंह ने यह लिखा है कि साजिश करने वालों से कह दो साजिश का खेल बुरा होता है, तो यह माना जा रहा है कि यह CM नीतीश कुमार के लिए है और गिरिराज सिंह एक बार फिर फॉर्म में लौट गए हैं या फिर अपनी खामोशी अपनी चुप्पी तोड़ ली है CM नीतीश कुमार को लेकर. अब इस ट्वीट के बाद बिहार की राजनीति कितनी गर्माती है यह देखना होगा. BJP और JDU के बीच के रिश्ते और कितने तल्ख होते हैं यह भी देखना होगा, क्योंकि यह गिरिराज सिंह का ट्वीट है, यह बयान गिरिराज सिंह का है और गिरिराज सिंह जब बयान देते हैं तो राजनीति पर उसका क्या असर होता है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है. इस खबर में इतना ही. अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे. प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. यहाँ पढ़ते हैं भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल. गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए. कि आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टवेयर मोबाइल ऐप के द्वारा. अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222. सॉफ्टवेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स.